कल रात नशे के हालत में जो भी हुआ वो तो अलग बात थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाया जाता है, जब सूर्या अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है वो तो उसके हस्बैंड के गोदी में थी, यानी कि उसके चेस्ट पे ऐसे लेटी हुई थी। वो इधर उधर देखती है, उसे समझ में आ गया कल रात कुछ हो गया। वो धीरे से भागने की ट्राई करती है, तभी यहाँ से रोकता है, बोलता है कि कहाँ भाग रही हो। ये सुनने के बाद सुनियो डरती है, उसके तरफ देखती है और बोलती है कि देखो कल रात क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तो प्लीज़ उसे कोई गलत समझ के भूल जाना, मैं भी भूल जाऊँगी, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद टेंशन बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई ऐसे होटल का कोई प्ले बॉय हो, कोई कॉल बॉय हो जो रैंडमली किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करेगा और उसे भूल जाएगा। ये सुनने के बाद सुनी बोलती है तो तुम क्या चाहती हो। ये सुनने के बाद हेयरसन बोलता है कि कुछ नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों के लिए नाइट स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं, और तुम भूल गई, तुमने खुद ही मुझे अप्रोच किया था, मैं तो अपने आप को रोकने की ट्राई कर रहा था। सुनियो और इम्पायस होती है, और यहाँ पर ऐसा आई के गया जब भी सुनियो इम्पायस फील करती है वो बहुत प्यारी लगती है, और हेयरसन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। सुनियो बोलती कि रहने दो ना जो भी है, और वो जाने वाली थी और हेयरसन उसे खींच लेता है और उसके पास खींच लेता है, बहुत प्यार से उसे देख रहा था और बोल रहा था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों की शादी भी हो चुकी है, मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लिया है और हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन कंप्लीट करने के लिए बस यही एक फॉर्मेलिटी था, वो भी पूरा हो गया, तो तुम्हें क्या लगता है अभी भी मैं तुम्हें जाने दूंगा। यही सुनने के बाद सुनियो बोलते कि तो तुम क्या चाहते हो। तभी हेयरसन बोलता है कि कुछ नहीं, अगर हमारा सब कुछ हो गया, हस्बैंड वाइफ वाला काम भी हो गया, तो क्यों ना तुम मुझे हस्बैंड बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ सच्ची में। ये सुनने के बाद सुनी बोलती कि पर मैं हस्बैंड तुम्हें, वो बोलते हैं हाँ चुपचाप बोलो मुझे हस्बैंड, वो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं आज से तुम्हें अपने हस्बैंड बोलूँगी। ये सुनने के बाद हेयरसन स्माइल करता है और बोलता है कि ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, अगर तुमने मुझे हस्बैंड नहीं बोला ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जो तुमने मेरे साथ कल रात किया उसके लिए, ऐसा वो बोलता है। सुनियो बहुत एम्बैरस और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं अभी जाऊँ, वो बोलता है कहाँ पर। तभी सुनियो बोलते हैं कि मुझे ऑफिस पे जाना है, हेयरसन बोलता है एक बात बताओ तुम कल फंसी कैसे थी। ये सुनने के बाद सुनियो बोलती है कि कुछ नहीं, वो ऑफिस का थोड़ा पंगा था और मैं फंस गई। हेयरसन मुझे पूछ रहा था कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, तभी सुनियो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो मैं डील कर लूँगी, और उसके बाद सुनियो बोलती है कि मुझे मेहनत करनी है, और वहाँ से निकल जाती है। और हेयरसन किसी को कॉल करके बोलता है कि कल सुनियो के साथ जो ये सब हुआ उसके पीछे कौन है मेन वो पता लगाओ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, ऐसा वो बोला होता है। सुनियो चली जाती है ऑफिस पे, वहाँ पर उसकी कलीग आके बोलते कि आज सिंडन का बर्थडे है। सिंडन इसके ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्पॉइल लड़की हुआ करती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग किया करती थी, तो अपने से नीचे सब लोगों को बुली किया करती थी जो लोग उसके पैरों पर नहीं आते थे, यानी कि उसके साइड बन के नहीं रहती थी, और जिनमें से एक सुनियो भी थी। सुनियो को हमेशा सिंडन की वजह से प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, और आज उसका बर्थडे था, उसके हस्बैंड यानी कि सुनियो का जो एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था उसने बर्थडे पार्टी थ्रो किया हुआ था, और अभी ऑफिस में सबको बुलाया गया था, इवन सुनियो को भी। सुनियो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे जॉब से हाथ धोना नहीं था, इसीलिए वो बर्थडे पार्टी में चली जाती है। बर्थडे पार्टी में जाते टाइम उसके हाथ से जो केक लेके आई थी वो गिर जाता है और वो उठाती है, और हमें ये दिखाया जाता है जो हमारा शेन होता है वो देख रहा होता है और वो सोच रहा था कि मुझे लगता है यहाँ पर मुझे तो जाना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद जो सुनियो थी उसे हमेशा की तरह शिंदान ऐसे तमाशा क्रिएट करवा रही थी, उसे बड़ा बुरा कह रही थी और बोल रही थी कि क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसीलिए कोई भी मैन तुम्हारे आसपास आएगा नहीं, और यहाँ पर हम अमीर लड़कियों के हस्बैंड के ऊपर नज़र डालने के लिए आ गई हो, ऐसा बोल के उसे ऐसे बुली किया कर रही थी। ये देखने के बाद सुनियो बोलती कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक हस्बैंड है और तुम लोगों से ज़्यादा हैंडसम हस्बैंड है। ये सुनने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि सुनियो पागल हो गई, क्योंकि एक इतनी गरीब लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं उसे अच्छा और अमीरपति कैसे मिल सकता है, ऐसा उन लोगों का मानना था। तब वहाँ पर जाता है हमारा हीरो शेन, और शेन जाने के बाद सब लोग सोच रहे थे कि ये कौन है। शेन बोलता है कि मैं इसका पति हूँ, सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, इवन सिन्हा सोच रही थी कि इसका पति कैसे हो सकता है क्योंकि ये बंदा तो बड़ा हैंडसम था। और
उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि तुम करते क्या हो, तो सुनियो कुछ बोलती उससे पहले शेन बोलता है कि मेरा काम ड्राइवर का है। हो ड्राइवर बोल देता है। ड्राइवर सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि सुनियो की किस्मत ही ऐसी है, उसे अपने लेवल से ऊपर वाला लड़का कैसे मिल सकता है। और बाद में हमें ये दिखाया जाता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी का वाइन आया हुआ था और वो शॉप करने के लिए सुनियो को बोला जाता है। ये देखने के बाद शेन को बड़ा गुस्सा आता है यान चेन को और वो उस वाइन को ऐसे जमीन में फोड़ देता है। सब लोग बोलते पागल हो गए क्या कर रहे थे। और इवन शिन डैन का हस्बैंड भी बोला था तभी हमारा यान चेन बोलता है कि तुम लोग क्या लगता है मेरी बीबी को तुम लोग ये सब काम करवाओगे और मैं देखता रहूँगा, एक काम करो बोल के वो वहाँ पर मैनेजर को बुलाता है, वेटर को, और सबसे महंगे कंपनी का ड्रिंक लेके सबको सर्व करवाता है। सब लोग बोल रहे थे कि इसके पास इतना महंगा ड्रिंक कैसे आया होगा। और वो उसे बोलता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता जो तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और सुनियो थोड़ी परेशान थी, ये भगवान आज मेरी वजह से इसका ना बहुत बड़ा चूना लगने वाला है, ऐसा वो सोच के वो बोल रही थी कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तब यानसेन बोलता कि डोंट वरी मैं इन लोगों को आराम से मज़ा चखा लूँगा। और बाद में जो हमारा यानसेन था उसके पास उसका ड्राइवर आके गाड़ी का चाबी देता है जो लेटेस्ट एडिशन था मर्सिडीज का। और सब लोग बोलते हैं इसके साथ इसके पास गाड़ी भी है। बाद में एक लड़की बोल रही थी कि ये तो ड्राइवर है इसीलिए गाड़ी होगा। और बाद में जो यानसेन था वो बोलता है कि तुम लोगों ने आज मेरी बीबी का बहुत मजाक बनाया, तो एक काम करो जो तुम लोगों में से जो भी मेरी बीवी को खुश रख पाएगा, गाना गा के नाच के या कुछ भी करेंगे मेरी बीवी को खुश कर पाएगा, तो मैं ये गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। सुनियो बोल रही थी कि ये बंदा पागल हो गया ये क्या बोल रहा है। और तभी जो यानसेन था वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मैं इन लोगों को आराम से संभाल लूँगा। और उसके बाद जो वहाँ पर लाइन लगती है सुनियो को खुश करने के लिए। और तब तक सुनियो का एक समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बहुत बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट है, यानी कि शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट। वो उठता है और सबसे पहले तो सिनडैन को दो तमाचा लगाता है, ये बोलते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है मिस्टर सैन एनसेन से बात करने के लिए, वो प्रेसिडेंट है कंपनी के। और वो लोग बोल रहे थे कि ये क्या बोल रहे हो। तभी जो हमारा एनसेन था वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो बस ड्राइवर हूँ। तभी जो हमारी सुनियो का एक्स था वो समझ जाता है ये ड्राइवर नहीं है, बस कुछ रीजन की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है क्योंकि लोगों का क्लास में उनकी शक्ल से दिख जाता है। और वो ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करता। और हमारा एनसेन था वो बोलता है कि अब यहाँ पर ना तुम्हारे लिए कोई रहने वाली लायक जगह नहीं है, ये लोग तुम्हें बेस्ट टारगेट कर रहे हैं, चलो यहाँ से बोल के वो सुनियो को लेके चला जाता है। और बाद में जो बिल आता है ये पार्टी का जो बहुत हाई था, शिनरान का उसका हस्बैंड एक तमाचा लगाता है, बोलता है कि मैं 40 crore पे नहीं करूँगा, अब तुम पे करो बोल के उसका अच्छा खासा सबक सिखाता है। और शिनरान तो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। यानसेन सुनियो को लेके वापस घर के लिए आता है। सुनियो उसे थैंक यू बोलती है और वो बोलती कि एक बात बताओ तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ आया और तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट होने का ड्रामा क्यों कर रहे थे। ये सुनने के बाद यानसेन बोलता है कि असल में वहाँ पर मैं काम किया करता था, तो उसका होटल मैनेजर भी मुझे अच्छी तरह से जानता है और प्रेसिडेंट के लिए भी मैंने काम किया है, तो मेरे साथ अच्छे है। ये सुनने के बाद वो हंसती है और बोलती कि चलो शुक्र है। ये सुनने के बाद जो हमारा यानसेन था वो सुनियो को बोलता है कि एक बात बताओ इन फ्यूचर अगर मैं किसी कंपनी का प्रेसिडेंट निकला तो तब तुम क्या करोगी। ये सुनने के बाद सुनियो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ना तुम पसंद हो प्रेसिडेंट नहीं, और मुझे ऐसी सिंपल लाइफ पसंद है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो दिखती है फ़ोन पर किसी लड़की का कॉल आ रहा था और वो सोचती कि इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। और उसके बाद जो यानसेन था वो कॉल रिसीव करता है और वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, फ़ोन रखता है। और ये सुनियो बोलती है एक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है मेरे बॉस। और तभी हमें दिखाया जाता है सुनियो बोलती है वो बहुत खूबसूरत है। तभी उस गाड़ी का ब्रेक मारता है क्योंकि उसके गाड़ी के सामने सुनियो की सिस्टर आई हुई थी। तो हमें ये पता चलता है कि जो सुनियो की सिस्टर थी अभी सुनियो से मिलने के लिए आई हुई थी क्योंकि उसका जो ब्रदर इन लॉ था उसने डाउरी मांगा हुआ था। अब आप लोगों को तो पता ही होगा चाइना में लड़की शादी करके चली जाती है और लड़के को लड़के वालों को दाउरी देना पड़ता है। और वो उसकी सिस्टर बोल रही थी कि प्लीज़
थोड़ा सा पैसा दे दो तुम्हारे पति के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सुनियो बोलते कि तुम्हें क्या बोल रहे, तुम्हें पता है ना वो इतना बड़ा कमीना इंसान है, उसने तुम्हें बार बार मोलिश किया और तुम उसके लिए पैसे मांग रही हो, तभी वहाँ पर उसका ब्रदर नहीं लाके उसे तमाचा मारता है, बोलता है कि तुम्हें इतने सालों से मैंने पाल पोस के बड़ा किया, तुम पे इतना एहसान किया और तुम किसी वाइल्ड मैन के साथ चली गई, वो भी दावरी दिए बगैर मुझे चुपचाप पैसे दे दो, वरना तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, तुम्हारी बहन को भी मार डालूंगा। सुनियो बोलती कि हर किसने मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तभी उसकी सिस्टर बोल रही होती है कि प्लीज़ दे दो ना, तुम्हारे पति के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और ये सब होने का सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जीजा कुछ भी नहीं करेगा मुझे और तुम्हारी नेफ्यू को। ये सुनने के बाद सुनी उसके तरफ देख के बोलती कि मैं 40 कौड़ी नहीं दूंगी, बोल के उसके मुंह पे फ़ोन फेंकती है और उसे एक तमाचा लगाता। इससे पहले हमारा हीरो आके उसे एक तमाचा लगा के मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बीबी को हाथ लगाने की। वो बोलता है कि इस लड़की को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है और ये इतनी एहसान फरामोश है कि ये यहाँ से ऐसे ही निकल गई, मुझे पैसे चाहिए, बोला होता है। तभी यानसन बोलता है कि कोई बात नहीं चाचाजी, हम आपको पैसे भी दे देंगे, लेकिन उससे पहले मैं किसी को कॉल किया हुआ है, बोल के वो फ़ोन दिखाता है और वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन जहाँ पर पुलिस स्टेशन में सुनियो यानसन के हाथ को देख रही थी और बोल रही थी कि उसके बस इतना बड़ा तमाशा हो गया, अभी नई नई शादी हुई थी और ये सब पंगा, और उसके खाने में बोलता कि डोंट वरी, ये सब तो मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति कितना अमेजिंग है, ऐसा वो बोलता है। सुनियो स्माइल करती है और उसके बाद वो उसके तरफ देखता है अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ और बोलता है कि आज तो शुगर मनाओ जीजाजी, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता था। और तभी जो उसकी सिस्टर होती है सुनी कि वो यानसन के पैर पे पड़ के बोलती है कि मेरे पति को दूसरों से बात करना नहीं आता, मुझे माफ़ कीजिएगा। और तभी हमारी सुनियो बोलते कि अगर तुमने मेरी बहन के ऊपर या फिर मुझ पे हाथ उठाने की ट्राई भी किया या मेरे पति को हट करने की ट्राई भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पर एक लॉयर आता है जो प्रेसिडेंट की तरफ से था, तो यहाँ पर हमारे यानसन का ही लॉयर था जो हमारी सुनियो और यानसन को तो छुड़वा देता है। मतलब क्या हुआ था ना, जो सुनियो का जीजा जी था उसने खुद एक पुलिस केस कर दिया था कि इसने मुझ पर हाथ उठाया है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला सिचुएशन, और तभी वो बंदा ऐसे गालियाँ दे रहा होता है और लॉयर बोलता है कि मिस्टर यानसन आप अपनी वाइफ के साथ जा सकती हो। और जो ब्रदर इन लॉ था वो बोला था कि मैं क्यों नहीं। तभी यानसन पीछे मुड़ता है और बोलता है कि अगर आपको भी यहाँ से निकलना है तो आपको वो जो रिपोर्ट केस किया है वो वापस करना पड़ेगा, और आज के बाद अगर आपने अपनी बीवी या फिर अपनी साली को हाथ भी लगाया ना तो उस टाइम पर आप पूरी लाइफ जेल रह जाओगे, ऐसा वो बोलता है। और ये सुनने के बाद जो सुनियो का जीजा जी था वो थोड़ा डर जाता है और वो बोल रहा होता है कि पर मुझे तो डाउरी का पैसे चाहिए। तभी यानसन बोलता है कि आर यू श्योर, चाहिए आपको। तब ये चुपचाप जाता है, जो केस उसने किया हुआ था वो पेपर वो ऐसे चबाने लगता है और उसके बाद वो वहाँ से निकलता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो सुनियो थी सुनियो को लेकर यानसन वहाँ से निकलता है और वो बोलता है कि आप लोग यहीं पर रह जाओ, क्योंकि अब सुनियो की सिस्टर तो अपने पति को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। और हमारी जो सुनियो थी वो यानसन को बोलते है कि क्या हुआ है, तुम्हारे बॉस तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं है इतनी बड़ी मदद की, तुम हो कौन है। सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि बोलता है कि तुम्हारा पति कितना अमेजिंग है तुम्हें पता नहीं है। और उसके बाद उसका लॉयर वहाँ पर भागते आता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है प्रेसिडेंट। तभी सुनियो बोलती है कि ये चल क्या रहा है, तुम ड्राइवर हो या प्रेसिडेंट हो। उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मेरी बीवी तुम्हें कि मैं कितने ज़्यादा अमेजिंग इंसान हूँ। और उसके बाद वो बोलते कि मुझे पता है मेरा पति कितना ज़्यादा अमेजिंग है, और उसके ऐसे पकड़ता है बोलता कि मैं दूसरे चीज़ों में भी बहुत अमेजिंग हूँ। वो उसे बोलते कि तुम कोई भी बहाना नहीं छोड़ते मेरे साथ फ्लर्ट करने का। और उसके बाद वो उसे बोलती कि क्या तुम मेरे जीजाजी और दीदी को छोड़ नहीं सकते, मतलब उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवा नहीं सकते क्या, मुझे डर लग रहा है अगर वो लोग वहाँ पर रहेंगे तो मेरी दीदी को पता नहीं क्या करेगा। ये सुनने के बाद यानसन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना अगर वो बाहर निकलेगा तो क्या हो सकता है। तभी सुनियो बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है वो कुछ भी नहीं करेगा, मैंने बचपन से देखा हुआ है ये सब। और वो बात करते करते ये बोलती है कि मैंने तो बचपन से जब से मैं पार्ट टाइम करती थी तब से मैंने अपने सिस्टर को सपोर्ट किया है,
यंसर बोलता है क्या कहा तुमने, तभी सोनू बोलती है कि उसने बहुत सारे पार्ट टाइम किया हुआ था वो हाई स्कूल टाइम से, ताकि अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर सके, क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, वो अरफान थी फिर भी, तो इसीलिए उसका एहसान चुका रही थी। ये सुनने के बाद यंसर को बहुत बुरा लगता है, वो उसे बोलता है कि क्या उसने तुम पे हाथ बिठवाया है। उसके जीजाजी ने सुनू कुछ बोल नहीं पाती, बस वो बोलती कि कुछ नहीं, मैं एटलीस्ट मंथ में अगर $5,000 भेजूंगी ना सारे चीज़ों के लिए, तो भी वो मेरी बहन का हाथ नहीं लगाएगा, अब मुझे इतना काम करना है। ये सुनने के बाद जो यंसर था उसे अपनी बीवी को देखकर बहुत प्यार आ रहा होता है। वो बोलती है तुम्हें पता है मैंने एक टाइम पे एक ग्रैंड मॉम की हेल्प किया था, और वो अचानक से बोलती कि तब तुम थी, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि शायद ये लड़का उसे तब से जानता है। और हमारे यंसर स्माइल करता है,